बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से पाई नेटवर्क की जो है KYC यानी वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और फेसबुक वेरिफिकेशन कैसे करनी है। तो उससे आपको जो पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो ये है कि आपके पास मैसेज पैकेज होना लाजमी है। ठीक है, तो कंप्लीट मेथड बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले इनकी थोड़ी सी मैसेज वगैरह चेक कर लेते हैं, ये क्या बातें वगैरह कर रहे हैं। तो कल मैं इनके मैसेजेस वगैरह चेक कर रहा था, लेकिन उसमें मैंने जो चीज़ देखी वो ये बतानी थी कि अच्छा वो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये प्राइस वगैरह इन्होंने बताई है उधर कितनी होगी इसकी और कब होगी वो मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। लेकिन ये देखेंगे, प्लीज़ डोंट पोस्ट योर वॉलेट एड्रेस हेयर। ठीक है, जो आपका वॉलेट एड्रेस है उसको इधर पेस्ट ना करें। ठीक है, वॉलेट एड्रेस, तो उसके अलावा ये इतनी बड़ी बात नहीं है, अलबत्ता ये रूल के ख़िलाफ़ है, ये रूल के ख़िलाफ़ है इस तरह इधर पोस्ट वगैरह कर देनी, जो भी आपने की वो है एड्रेस वगैरह। तो उसके अलावा मैंने बताया कैसे आप एक दूसरे को कैसे पाई वगैरह सेंड कर सकते हैं, टेस्टिंग के लिए इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये अगर एड्रेस देते हैं तो ये डिलीट कर देंगे। तो जो पास फ्रेज है उसको आपने संभाल के रखना है, जो कि वॉलेट का होता है। ठीक है, तो उसके अलावा और तो इसमें कोई अच्छी नहीं है इन्फॉर्मेशन। जो मैं आपको बताने वाला था वो थी, अगर सामने आ गई तो मैं बता देता आपको कि इनकी जो प्राइस है, पहले भी बता रहे थे कि 21 के एंड तक ये वो कर देंगे, इनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, लेकिन अभी ये फेज़ 2 में है। तो जैसे ही ये फेज़ 3 में आएगा, इसकी अभी ब्लॉकचेन के ऊपर काफ़ी हद तक इनका काम हो रहा है, जैसे ही ब्लॉकचेन कंप्लीट हो जाएगी तो इनकी प्राइस वगैरह भी आ जाएगी और इससे हटकर जो है एक दूसरे को आप मतलब के बेच भी सकेंगे, ले भी सकेंगे। जो ओरिजिनल हैं ये जो ऊपर नज़र आ रहे हैं ये वाले, तो जितना हो सके आप माइनिंग वगैरह कर लें, अगर अकाउंट वगैरह बनाया है तो बना लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो आप अपनी एप्लीकेशन में आ जाएंगे। तो अकाउंट वगैरह बनाना भी मैंने सिखाया है, पहले सिखाया हुआ है। तो अभी मैं आपको जो मेन है टॉपिक वो मैं बता देता हूँ, लेकिन ये इसकी ब्लॉकचेन वगैरह अभी प्रोसेस में है, वो बन रही है। जैसे बन जाएगी ये किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाएगा, तो जैसे लिस्ट हो जाएगा तो आप उसको बेच भी सकेंगे, ख़रीद भी सकेंगे, मतलब कि आप इससे प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर सकेंगे। और हो सकता है कि ये इनकी प्राइस वगैरह $1 तक चली जाए। तो जो मेन टॉपिक है हमारा वो है KYC करना। KYC होती है जैसे कि आपने किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर आपने आपको वेरिफिकेशन करवानी होती है। ठीक है, तो आपने ये जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे ये नज़र आ रहा है प्रोफाइल, तो प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अकाउंट वेरिफिकेशन फ़ोन नंबर, ठीक है, तो उसके बाद है फेसबुक वेरिफिकेशन। नंबर की वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको, चलो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वेरीफाई जो फेसबुक की वेरिफिकेशन है उसका मेथड बता देता हूँ, आगे आपने करना है खुद ही। तो आपने सिंपल वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, आपने सिंपल इस पर कुछ भी नहीं करना, कंटिन्यू एज अयान, जैसे कि मेरा नेम है, ये एक दोस्त की है, तो वीडियो भी मैं उसी दोस्त की बना रहा हूँ, क्योंकि उसने ये, मैं वीडियो बनाने के लिए ये मोबाइल लिया उससे, तो इसलिए ये देखेंगे। आपने जस्ट इधर कंटिन्यू एज अयान लिख दे, उसके ऊपर क्लिक कर देना, तो आपका ये तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर या 24 घंटे भी लग सकते हैं तो ये वेरीफाई हो जाएगी। अच्छा, अब नंबर की वेरीफिकेशन कैसे करनी है, उसके लिए आपने क्या करना है, वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना, लेकिन आपका मैसेज पैकेज होना लाजमी है। ठीक है, तो क्योंकि नंबर की वेरीफिकेशन के लिए ये कुछ बैक कर दिया इन्होंने नेटवर्क की प्रॉब्लम से, तो मैसेज पैकेज आपका होना लाजमी है। ठीक है, तो देखिए अगर आपने USA के ऊपर कोड भेजना है, या किसी भी, इनकी ये लिस्ट है, आप किसी भी कंट्री के अंदर भेजना चाहें, मतलब मैं यूनाइटेड किंगडम से अपना कोड रिसीव करना चाहता हूँ तो यूनाइटेड किंगडम को कर लूँगा, ऑस्ट्रेलिया को कर लूँगा, बेल्जियम को, पोलैंड वगैरह को और स्विट्ज़रलैंड को। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप USA से मंगवाना चाहते हैं तो USA से सिलेक्ट कर लेना है, अगर ऑलरेडी होगा इस तरह। तो आपने जो कोड आपके पास आएगा ना, वो इधर आएगा। पहले तो आपने ऐसे करना है कि स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है,
जैसे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ओपन एसएमएस ये कह देगा, ठीक है। तो जैसे आपके पास आप उनको जो मैसेज है वो सेंड कर देंगे, ठीक है। ये देखें आपकी जो मोबाइल का एसएमएस का है ऐप वो ओपन होकर आ गई है। तो आपने जस्ट जिस सिम के ऊपर आपका पैकेज लगा होगा आपने जस्ट उधर से इसको सेंड करना है, ठीक है। जैसे आम रूटीन में हम सेंड वगैरह करते हैं एसएमएस वगैरह, तो जैसे सेंड करेंगे आपके सामने चार ही वर्ड के जो कोड आ जाएगा उनकी तरफ से, ये जो अमेरिका का नंबर है इसकी इनकी तरफ से चार कोड आ जाएंगे, वो आपने कॉपी कर लेना है, कॉपी करके वापस आ जाना है, ठीक है। तो देखें जैसे ही आप सेंड करेंगे कोड तो उनका आ ही जाएगा, लेकिन ये इधर वेरिफिकेशन के लिए जैसे ही वो एसएमएस भेज देंगे तो आपके पास सामने इस तरह का इंटरफेस आना शुरू हो जाएगा, वेटिंग फॉर वेरिफिकेशन रिजल्ट, ठीक है। तो ये भी वेरिफिकेशन कैन टेक अ फ्यू मिनट, तो ये भी कुछ टाइम लेंगे, कुछ मिनट लेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। आपने ऐसे करना है, लेकिन उससे पहले ये इसलिए लेट हो रहा है, अभी हो जाना था क्योंकि मेरे पास अभी मैंने एसएमएस वगैरह इसमें इस सिम के ऊपर नहीं करवाया क्योंकि ये दोस्त की है, तो इसलिए ये लेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो फिर से अगर कोड वेरीफिकेशन पिन मांगेंगे तो जो उन्होंने भेजी होगी वो आपने कॉपी करके बैक आ जाना है, ठीक है। तो वही आपने यहाँ पर कोड लगा देना है, ठीक है। तो आपका जो है नंबर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, केवाईसी आपके नंबर पाई नेटवर्क की हो जाएगी। तो बस यही इतना काम था, इससे कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है काम, तो जितना मैंने बताया है उतना ही आपने करना है, तो इंशाल्लाह ये आपका जो वेरिफिकेशन की है प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगा आपका अकाउंट। तो इसकी जो प्राइस के बारे में बता रहे हैं वो अभी फ़िलहाल इतनी ख़ास तो नहीं बता रहे, लेकिन अलबत्ता जिस तरीके से अगर देखा जाए कि माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर ये इस तरीके से देखा जाए तो ये तकरीबन इसकी जैसे डोजी कॉइन है इसमें जाने के लिए इतनी कीमत बढ़ाने के लिए तकरीबन एक साल और मज़ीद चाहिए होगा। अलबत्त अगर देखा जाए कि 2025 तक क्या होगा, तो जिनके पास एक एक लाख तकरीबन काफ़ी लोगों के पास तो 10-10 लाख के करीब ही पड़े हुए हैं पाई जो कॉइन है ये वाली जो माइनिंग हो रही है, तो अगर इनकी देखा जाए 2025 के करीब तो लगभग $1 के करीब तो हो ही जाएगी। अगर मैं टेक्निकली व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि देखें ये माइनिंग वगैरह इनकी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जितने ज़्यादा माइनिंग होगी और जो साफ ज़्यादा कॉइन भी उतने ज़्यादा होंगे, तो कॉइन अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है इनके कॉइन, इसलिए इनकी प्राइस थोड़ी सी लो होगी स्टार्ट में। और ऐसा भी हो सकता है जैसे ये फेमस है तो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, स्टार्ट में ही बहुत ज़्यादा हो सकती है, $1 भी हो सकती है, $10 भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो देखें ये एक चांस है आपको माइनिंग करने का, तो आप करते रहें, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जब ये एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाएगा, अभी तकरीबन 6 मंथ ही तकरीबन रहते हैं ये 2021 के कम्प्लीट होने के, तो एंड में ये बता रहे हैं, तो एंड में इंशाल्लाह ये हो जाएगी इस बार किसी ना किसी जो के एक्सचेंज है उस पर लिस्ट हो जाएगी। तो जैसे लिस्ट होगी इनकी प्राइस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी, और उसके अलावा आप ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, अगर ट्रेडिंग नहीं करनी आप सेल भी कर सकते हैं, अगर किसी के पास नहीं भी होंगे तो वो उसको परचेज़ भी कर सकेगा। तो यही मैंने बताना था, तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं फ्री में जो भी कोई प्लेटफॉर्म होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर सको कुछ आने वाले वक्त में, और कुछ रिसेंटली मतलब के हाज़िर मौके के ऊपर कोई भी फ़ायदा हो वो मैं आपको आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर दबा देना, ताकि आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।